कस्बे के बाईपुरा क्षेत्र में रेलवे द्वारा दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। इस संबंध में बाईपुरा के लोगों ने सोमवार को रेलवे के मंडल सहायक अभियंता से मिलकर इस समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन सहायक अभियंता ने कहा कि वह इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में निवास करने वाले लोग अधिकांशतः रेलवे से सेवानिवृत्त होकर बसे हैं। वर्षों से इन लोगों का आना जाना रेलवे भूमि से ही था, लेकिन अब रेलवे द्वारा क्षेत्र में ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर आवागमन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के खसरा नंबर 647 की 2.5 बीघा जमीन पर पंचायत का अधिकार होते हुए भी रेलवे द्वारा इस पर अपना अधिकार बताते हुए पानी का नलकूप और पानी की टंकी का निर्माण इत्यादि करवा लिया गया। फिर भी लोगों ने विरोध नहीं किया क्योंकि इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग रेलवे को अपना ही परिवार मानते थे, लेकिन रेलवे द्वारा अब हठधर्मिता अपनाने पर लोगों ने भी पंचायत की भूमि पर रेलवे द्वारा किए गए कब्जे को मुक्त कराने का निश्चय किया है। स्थानीय निवासियों, जब AEN से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, स्थानीय निवासियों ने मेड़ता उपखंड अधिकारी पूरण कुमार को ज्ञापन सौंपा तथा उपखंड अधिकारी से शीघ्र न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन लेकर उपखंड अधिकारी ने 3 दिन में रेलवे के अधिकारियों से बात कर समस्या से निजात दिलवाने का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे नहीं मानती है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से न्यायालय की शरण ली जाएगी। नाम बताइए। मेरा राम बाबूलाल मादावत है जी। आप यहाँ AEN ऑफिस में आए थे शिकायत लेकर अपनी, क्या आश्वासन दिया? AEN ऑफिस में आए थे, हम पहले भी AEN साहब से मिल चुके हैं, अभी भी और दोबारा आया है। मेन समस्या रास्ते की और पानी निकासी के लिए है, जिसमें AEN साहब ने ये कह दिया कि भाई मेरे पास में ये पावर अधिकार नहीं है कि मैं कोई 1 इंच जमीन दे सकता हूँ ना कोई छोड़ सकता हूँ। उच्च अधिकारी जैसा भी आदेश देंगे मैं उन आदेशों की पालना करूँगा। और एक मामला और सामने आया था, रेलवे के अंदर ही एक पानी की टंकी बनी हुई है। हाँ। इस टंकी को ग्राम पंचायत कह रही है कि ये जमीन जो है खसरा नंबर 647 उसके लिए ग्राम पंचायत के लिए कि ग्राम पंचायत की भूमि है, जबकि रेलवे के लिए हमारी भूमि है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, इसमें ये बरसों से पहले वैसे ही ओपन पड़ी थी, यहाँ पे कचरा वो घास फूस वगैरह लोडिंग होता था और रेलवे ने ट्रायंगल लैंड बनाई थी और उस समय रेलवे की बिल्कुल ज़मीन बंजर भूमि पड़ी थी। उस समय किसी न तो यहाँ पे मोहल्ले वागले नागरिकों को आवश्यकता थी क्योंकि पानी बह रहा था। अब समस्या ये होगी कि डेमोसेट बन गया, वो अपनी बाउंड्री चारों तरफ से क्लोज कर रही है। उस ज़मीन को लेकर क्या निर्णय लिया गया? उस ज़मीन को लेकर AEN साहब ने ये कहा कि भाई ये ज़मीन रेलवे की है और वैसे भी आप कह रहे हैं पंचायत की है, तो उसमें ये उन्होंने कहा हम हमारे रिकॉर्ड में देखेंगे उसके बाद में जवाब देंगे। सपोज करो इस मामले को लेकर अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आगे आपकी कार्यवाही क्या होगी? इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम भोमाराम गुजर है। सर, जानना चाहूँगा कि अभी आप AEN कार्यालय में रखे हैं, किस कारण से गए थे, क्या समस्या थी? आप समस्या ये थी सर, रेल बाउंड्री के पास पूरा बाईपुरा बसा हुआ है, उसके जगह सिर्फ ना 8 या 9 फुट जगह हैं, उसके अंदर एक तो गंदे पानी की निकासी और आम रास्ता संकड़ा है। हम रेल से ये चाहते हैं कभी थोड़ा सा 5 फुट बढ़ा के इसको या तो 12 फुट या 13 फुट किया जाए और 2 फुट नाले की ज़मीन दी जाए। और हमारे पास एक्चुअली ये सबूत है कि जो डेमो शेड के पास में एक टंकी बनी हुई है उसके जानने में आया कि ये भूमि है जो पंचायत की है। तो इस मामले को लेकर AEN साहब ने आपको क्या? AEN साहब ने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। AEN साहब ने कहा मैं उच्च अधिकारी को DRM को जोधपुर ये सूचना भेज दूंगा और मैं 1 इंच न तो बढ़ा सकता हूँ न घटा सकता हूँ, जो भी अधिकारी करेगा वो जोधपुर का या मेरा उच्च अधिकारी होगा वही ये काम करेगा और हम यहाँ लोकल जो भी अधिकारी हैं वो बेट मीटिंग करके 1-2 दिन में आपको बता देंगे। नाम बताइए। सर, मेरा नाम है जो बाबूलाल गोरेर, सेवानिवृत्त व्याख्याता मलो स्थान बाईपुरा। क्या समस्या है आपकी ऐसी जिसके कारण आपको AEN ऑफिस में आना पड़ा? AEN ऑफिस में आने की समस्या का बहुत भारी मालो दायित्व है,
संपूर्ण जितने भी हमारा भाईपुरा या मावीपुरा जो भी दोनों हमारे मोहल्ले हैं, दोनों मोहल्लों के अंदर पानी की इतनी समस्या आ गई है या रास्ते की इतनी समस्या आ गई है कि यदि किसी प्रकार का यदि डिलीवरी का मामला है या ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुई है जो हम जनाना लेकर के जाते हैं, वो भी क्या है एक एक घंटा तक हमारा रास्ता रुका हुआ रहता है। और इस रास्ते के लिए हमें किसी प्रकार की कोई सूचना, आगे खुला था रास्ता, अब ये चारों तरफ दीवारें निकलने के कारण हमारा रास्ता बंद हो गया है। और ये रेल ने क्या है, जो हमारे पास में जो हमारी स्वयं की ज़मीन थी या हमारी पंचायत की जो ज़मीन थी, जिस पर किसी प्रकार का यहाँ गैदरिंग नहीं थी, जनता या पब्लिक यहाँ निवास नहीं कर पा रही थी, और धीरे धीरे क्या है जो जो मतलब जनता का मतलब विस्तार हुआ, क्यों क्यों क्या है कि इस ज़मीन का हमें मालूम हुआ कि ये ज़मीन हमारी पंचायत की है, जबकि रेल ने इस पर मान लो झूठा पहले से कब्जा कर रखे हैं और वहाँ टंकी भी उन्होंने बना रखी है। ये ज़मीन आप कह रहे पंचायत की है और रेलवे के लिए हमारी है, तो जिस समय इसके ऊपर टंकी का निर्माण हुआ था उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और अब इसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, क्या कारण? इसका कारण यह है साहब कि पहले तो इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि ये परत के रूप में वैसी जमीन पड़ी थी, और अब क्या है कि इस ज़मीन के चारों तरफ हमारी भी क्या गैदरिंग हो गई है, हमारे भी मान लो यहाँ निवास हो गया है, और जो ये रास्ता था या रेल की जो ज़मीन थी खुली थी, जिसके अंदर हमारे ये उत्तर से लगाकर दक्षिण को जो पानी जा रहा था, ये पूरे लंबे समय से यहाँ से मान लो 50 कोस से ये भी पानी इस रास्ते से गुजरता था और हमारा भी पानी इसके अंदर जाता था, जबकि रेल अब कंट्रोल कर रही है, चारों तरफ दीवारें निकाल कर हमारे पानी को रोक रही है, जबकि पूरी गंदगी हो रही है, चारों तरफ बीमारियाँ फैल रही है, ऐसी परिस्थिति के कारण सब आगे क्या आपकी कार्यवाही क्या रहेगी? हमारी ये कार्यवाही है, हम ये इनसे मांग कर रहे हैं रेल से कि हमें किसी भी हालत से आप हमारा रास्ता और ये पानी की निकासी का जो कार्य है ये पूर्ण करवा दें, अन्यथा ये सारी जनता है जो भूख हड़ताल करेगी, हम यहाँ बैठे रहेंगे या भूखे मरेंगे आगे की ओर जाकर। रेल मंत्री जी या जितने भी हमारे जो राज्य कर्मचारी, ये राजस्थान सरकार है या इंडिया सरकार है, उनके पास में जाकर हमारी मांग को प्रस्तुत करेंगे, हम गैदरिंग होकर के पूरे मेड़ता रोड की जनता वहाँ जाएगी उनके सामने।